दोस्तों, यह व्यू का 4K प्रीमियम सीरीज का स्मार्ट टीवी 2022 का ये लेटेस्ट मॉडल है और गाइस ये मैंने अपने पैसों से लिया है अमेज़ॉन से, क्योंकि ये टीवी सिर्फ आपको अमेज़ॉन पे ही मिलता है। पर अगर आप ये टीवी लेना चाहते हो व्यू का स्मार्ट 4K टीवी लेटेस्ट वाला प्रीमियम सीरीज का, तो एक बात का ध्यान रखना वरना आपके पैसे हो सकते हैं बर्बाद। अमेज़ॉन पे थोड़े बहुत लोगों को इसमें टीवी में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट मिल रहे, यानी कि उनका टीवी अपने आप बंद हो जाता है, किसी की पिक्चर स्क्रीन टूटती होती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आ रही है जिन लोगों ने ये टीवी अमेज़ॉन के सर्टिफाइड सेलर से नहीं लिया। गाइस मैं आपको बता दूँ, ये टीवी मैंने अमेज़ॉन से लिया और जहाँ से मैंने लिया उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि गाइस वहाँ से मैंने लिया वो है अमेज़ॉन के सर्टिफाइड सेलर से। और मेरे दोस्त ने भी एक महीने पहले ये सेम टीवी वहीं से लिया था और उसने भी लिया था गाइस अमेज़ॉन के सर्टिफाइड सेलर से। लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इस टीवी में कोई भी प्रॉब्लम आगे देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस एक बात का ध्यान रख लो, ये टीवी जहाँ से मैंने लिया वहीं से बाय करना। दूसरी बात, इस टीवी के बारे में बात करते क्या ये आपको लेना चाहिए। तो गाइस आज के टाइम में अगर आप एक 4K बजट स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हो, ये काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से आए, तो गाइस इस टीवी को आग बंद करके आप ले सकते हो। काफ़ी टाइम से इस टीवी को यूज़ कर रहा हूँ, पिक्चर क्वालिटी एक नंबर है, साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सारे एंड्रॉयड ऐप इसके ऊपर आप चला सकते हो, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अगर आप एक बजट स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा आराम से इस टीवी को रिकमेंड करूँगा मैं खुद लेने के बाद और यूज़ करने के बाद। पर शर्त ये है कि आपको अमेज़ॉन के सर्टिफाइड सेलर से ही लेना है, तभी आपको इसके ऊपर सबसे कम प्राइस देखने को मिलेगा। एक दिन के अंदर इसकी डिलीवरी हो जाती है, अगले दिन इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और टीवी एकदम बढ़िया चल रहा है। काफ़ी टाइम से मैं इस टीवी पर रोज़ 3-4 घंटे मूवीज़ देखता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, नेटफ्लिक्स चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे इस टीवी में नहीं आई। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, व्यू की पिक्चर क्वालिटी हमेशा से MI, Realme और OnePlus के टीवी से अच्छी रही है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों अभी बता रहा हूँ, ये टीवी लेना आग बंद करके इस टीवी को ले लो अगर आपको स्मार्ट 4K टीवी चाहिए बजट प्राइस में। पर याद रखना जहाँ से मैंने लिया वहीं से लेना, वरना आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ से मैंने लिया वो एक ट्रस्टेड सेलर है, तो आपको वहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बहुत कम लोगों को मिलता है डिफेक्ट, पर फिर भी गारंटी ये रखना कि जहाँ से मैंने लिया वहीं से लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तभी आप सारे लोग इसको बाय कर सके वहाँ से। और गाइस मैं खुद लेने के बाद रिव्यू कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने भी लिया था और मैंने भी लिया है, तो हम दोनों का पर्सनल ये यूज़र का रिव्यू, जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। इस टीवी को मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा, ये टीवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस वीडियो में गाइस इतना ही, इस टीवी को लेना चाहते हो आराम से ले लो, बहुत बढ़िया टीवी है।